तो दोस्तों आज हम आए थे इस्कॉन टेम्पल, इसे हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये दुहू में स्थित है। आपको यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले तो अंधेरी स्टेशन आना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेशन हो वहाँ से लेके आपको अंधेरी स्टेशन आना पड़ेगा। अंधेरी स्टेशन आने के बाद आप दुहू के लिए यहाँ पे बस ले सकते हो। अंधेरी वेस्ट में आना पड़ेगा, वेस्ट में आने के लिए दुहू के लिए बस ले सकते हो। बस वाले को आप बोल सकते हो कि बाबा हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल या फिर इस्कॉन टेम्पल जाना है, तो वहाँ पे जाने के बाद लगभग आपको बस स्टॉप पे छोड़ दिया जाएगा और वहाँ से लगभग 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये टेम्पल है। तो हम इस टेम्पल को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। अंदर जाके मैं आप लोगों को ये टेम्पल दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे आप लोग इस साइड आप यहाँ पे देख सकते हो, पीछे की साइड में भी एक मंदिर है, तो इस मंदिर को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए तो हम इस्कॉन टेम्पल को एक्सप्लोर करते हैं। सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन करने के बाद हमारी सवारी निकल पड़ी थी बाइक से नियर बाय रेलवे स्टेशन। हमने रेलवे स्टेशन पे बाइक पार्किंग में बाइक पार्क कर ली थी और उसके बाद ट्रेन से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। हमारी जर्नी चल रही थी घाटकोपर स्टेशन की ओर। फाइनली घाटकोपर स्टेशन पे हम पहुंच गए थे और घाटकोपर स्टेशन से हम यहाँ पे नियर बाय रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन घाटकोपर स्टेशन को अटैच है, तो मेट्रो ली और मेट्रो से हम निकल पड़े अंधेरी। तो फाइनली हम अंधेरी भी पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंधेरी मेट्रो स्टेशन का नज़ारा। मेट्रो स्टेशन को अटैच अंधेरी रेलवे स्टेशन। फाइनली रेलवे स्टेशन पे हमने कुछ देर यहाँ पे इंतजार किया क्योंकि यहाँ से हमारा एक दोस्त हमें यहाँ पे ज्वाइन करने वाला था। तब तक मैंने छोटा सा फुटेज यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ से हम निकल पड़े अंधेरी रेलवे स्टेशन से बाहर वेस्ट की ओर। आपको वेस्ट की ओर आना है और यहाँ से आपको बस स्टैंड पे जाना है। बस स्टैंड से बहुत सारी बस आपको यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के लिए लेकर जाएगी। नॉर्मली आप जुहू के लिए भी बस ले सकते हो। जुहू के लिए बस लोगे तो यहाँ पे आप कंडक्टर को बोल सकते हैं कि नियर बाय यहाँ पे हमें जुहू टेम्पल छोड़ दीजिए। लगभग 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे स्टेशन पे छोड़ दिया जाएगा। वैसे यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के लिए आपको 203, 28, 56, 627 और 8203 ये बसेस यहाँ पे मिल जाएगी। तो फाइनली हम बस में बैठ चुके थे और यहाँ पे हम एक स्टॉप पे उतर गए थे। स्टॉप का नाम आरोग्य निधि रुग्णालय। इस वाले बस स्टॉप पे आपको उतरना है और यहाँ से लगभग 5 से 6 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको इस्कॉन टेम्पल मिल जाएगा। फाइनली फेरों की थोड़ी सी मशक्कत करके और सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद मंदिर परिसर में हमें एंटर मिल चुका है। वैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, वीडियो और फोटोग्राफी लेना पूरी तरह से वर्जित है, मतलब अलाउड नहीं है। फिर भी आप लोगों को दर्शन देने के पर्पज से और यहाँ पे इस मंदिर को आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देने के पर्पज से यहाँ पे वीडियो को मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मंदिर में आने के बाद सबसे पहले आपको चप्पल और जूते के स्टैंड पे जाके यहाँ पे अपने चप्पल और जूते जमा करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको एक टोकन दिया जाता है। इस टोकन को आपको संभाल के रखना पड़ेगा ताकि आपको ये रिटर्न लेने के बाद यहाँ पे आपके चप्पल और जूते मिल जाए। उसके बाद हाथ मुंह धोने के बाद यहाँ पे ये प्रसाद का भोग थाली लेके आप मंदिर में एंटर कर सकते हो। वैसे लेना ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है। भोग थाली की प्राइस यहाँ पे 100 रुपए से लेके 300 रुपए के बीच में होती है और मंदिर में एंटर करने के बाद आपको दीवारों पे कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टैचू के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी जाती है। वैसे यहाँ पे हर एक स्टैचू के पीछे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। वैसे स्टैचू के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा तो यहाँ पे जीवन का पूरा कालचक्र यहाँ पे दिखाई दिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का यहाँ पे कालचक्र दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे आगे के स्टैचू को अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे महाभारत का एक दृश्य दिखाई देता है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे स्टैचू दिए और उसकी जानकारी आपको यहाँ पे उसके बाजू में दी गई। तो चलिए सारे स्टैचू को देख लेते उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मंदिर के मुख्य आकर्षण की अगर हम बात करेंगे तो राधा कृष्ण की मूर्ति मुख्य आकर्षण है। साथ ही साथ मंदिर में श्री राम तथा लक्ष्मण और सीता मैया की भी मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। वैसे इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं।
वैसे मंदिर में कंटिन्यूस भजन वगैरह चलते रहते, तो मंदिर का परिसर पूरी तरह से हरे रामा हरे कृष्णा के जगह से या फिर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वैसे मंदिर की दूसरी साइड की दीवारों में भी कुछ स्टैचू बने गए, जो यहाँ पे हमारे फेवरेट भगवान यहाँ पे श्री विट्ठल का स्टैचू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आगे भी कुछ स्टैचू है, आप यहाँ पे हमारे कैमरे से देख दे सकते। मंदिर में हमारे दर्शन हो चुके थे श्री राधा कृष्ण और यहाँ पे प्रभु रामचंद्र, साथ ही साथ यहाँ पे सीता माया के दर्शन लेने के बाद यहाँ पे मंदिर में हमने कुछ देर भजन का आस्वाद लिया। तो यहाँ पे आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से यहाँ पे भजन का यहाँ पे आस्वाद ले सकते। राधा कृष्ण का आवाज यहाँ पे पूरे यहाँ पे मंदिर में गूंज रहा था। फाइनली इस मंदिर को हमने हमारे दिल में बसा लिया था, हमारी आंखों ने ये सारा नज़ारा पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, साथ ही साथ हमारे कैमरा ने यहाँ पे इस मंदिर परिसर को पूरी तरह से यहाँ पे कैप्चर कर लिया था, जिसका फुटेज आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पे कुछ पुस्तकालय और कुछ शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी मदद से अगर आपको आपके इस मंदिर की यादें यहाँ पे आपके साथ लेके जानी है, तो यहाँ पे एक दूसरी मूर्ति आप साथ में लेके जा सकते हो या फिर एक दूसरा बुक यहाँ पे आप साथ में ले सकते हो। वैसे दोस्तों इस जगह से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरी तरह से चारों तरफ यहाँ पे राधा कृष्ण के नाम का गजर यहाँ पे जपा जा रहा था, और राधा कृष्ण का नाम हमारे कानों के ऊपर यहाँ पे मंत्रमुग्ध कानों को कर रहा था। फाइनली हमने यहाँ से थोड़ी सी पेट पूजा कर ली थी, और पेट पूजा करने के बाद हमने यहाँ पे फाइनली प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे बाहर जिस जगह पे हमने शूज वगैरह रखा था उस जगह से हमने शूज वगैरह कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमारी सवारी निकल पड़ी फिर से यहाँ पे अंधेरे की ओर। और यहीं पे इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आना रहा। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर हम इस्कॉन टेम्पल की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा इस्कॉन टेम्पल पंढरपुर में स्थित, महाराष्ट्र में पंढरपुर में स्थित इस्कॉन टेम्पल को भी हमने हमारे कैमरा में कैप्चर कर लिया है,
और आने वाले कुछ दिन के अंदर यहाँ पे वो ब्लॉग भी बहुत जल्द आने वाला है। वैसे इस मंदिर के आजू बाजू में यहाँ पे और एक मंदिर है जिस मंदिर के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे ब्लॉग बनाए, उस मंदिर का नाम है मुक्तेश्वर टेम्पल, तो वो ब्लॉग भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आपको देखना होगा तो वो ब्लॉग भी आप देख सकते हो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।